तो फ्रेंड्स, YouTube हमारी मोनेटाइजेशन अर्निंग को काट क्यों लेता है? जी हाँ, अगर आपके पास कोई YouTube चैनल है और मोनेटाइज्ड है और आपकी अर्निंग होती है, बट जब एंड ऑफ द मंथ आता है तो एंड ऑफ मंथ आते आते आपकी YouTube अर्निंग अचानक से, सपोज अगर $16 थी तो वो अचानक से घट के $5 या $4 पे आ जाती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यूट्यूबर्स के माइंड में अक्सर होते हैं। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था, बट इसको लेकर मैंने कुछ खोजबीन की। उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा तो ऐसा होता है। वैसे मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दिया, मैं आज इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर रिटेन में नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी वजह से YouTube हमारी अर्निंग काट लेता हो। बट अगर इन रिटर्न देखा जाए तो इसका कुछ अलग फॉर्मूला निकलता है कि YouTube क्यों पैसे काटता है। और अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे यार, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। बहुत से यूट्यूबर्स आपको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना देखने का व्यू होता है। तो यार, आज जो मैं आपको बताऊंगा यार, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगा कि YouTube हमारी अर्निंग काट क्यों लेता है। तो यार देखो, बात बिल्कुल सीधी सी है। YouTube हमें अर्निंग किस बात की कराती है? YouTube हमें अर्निंग कराती है जब वो हमारे वीडियोस पर ऐड दिखाते हैं। तो जैसे सपोज करिए, आप अपने किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट का YouTube पर ऐड कराते हैं, सपोज आप अगर कराते हैं, तो आप भी यही चाहेंगे यार कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिले, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट मिले। तो इसको लेकर क्या होता है ना कि सपोज करो यार कि आपके एड्स को 100 लोगों को दिखाया गया और 100 में से 50 लोगों ने क्लिक कर दिया, लेकिन खरीदा किसी ने भी नहीं। तो जो एडवर्टाइजर होता है ना, जो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कराता है, उसको ये लगता है यार कि फिर मुझे दिखाने का फायदा क्या हुआ, मुझे दिखाने का फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए YouTube ने, मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 100 में से अगर आपके वीडियोस पर 100 बार एड चलती है, तो 100 में से सिर्फ 2 या 3 या 4 या 5, कुछ ऐसा कैलकुलेशन उसने बना रखा है कि इतने ही क्लिक्स जेन्युइन होते हैं। क्योंकि यार देखो, ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो अगर कोई आदमी है, उसके पास फेसबुक पेज है और उस पेज पर लाखों में उसके फॉलोअर है, और वो यूट्यूब पर आ जाता है, यूट्यूब पे आने के बाद मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया, अब वो अपने फॉलोअर्स को कह देता है यार कि मेरी वीडियो को खोलो और जो एड आई है उस पर क्लिक करो। तो यार सपोज करो कि 1000 लोगों ने देखा और 1000 के 1000 लोगों ने भी क्लिक कर दिया, लेकिन क्लिक करने के लिए जो एडवर्टाइजर है उसको तो पैसे देने पड़ रहे हैं, बट उसको फायदा तो कोई नहीं मिल रहा है। क्योंकि फायदा किसको मिल रहा है? यहाँ जिसके वीडियो पे ऐड आ रही है, उस यूट्यूबर को हर क्लिक के पैसे मिल रहे हैं, बट जो एडवर्टाइजर है उसको कोई फायदा तो मिलेगा नहीं, तो वो दोबारा यूट्यूब पर ऐड क्यों दिखाएगा? इसी को देखते हुए यूट्यूब ने एक सिस्टम बना रखा है कि जब भी आपके किसी वीडियो पर ऐसे बहुत ज्यादा क्लिक्स या आपके एड्स पर बहुत ज्यादा क्लिक्स आएंगे, तो यूट्यूब आपकी अर्निंग काट लेगा। क्योंकि यार देखो, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है कि लोग अलग अलग डिवाइस, अलग अलग लोकेशन से एड पर क्लिक करते रहते हैं। तो यूट्यूब ने कुछ ऐसा फॉर्मूला अपना बना रखा है कि अगर 100 में से 5 क्लिक या 6 क्लिक या 10 क्लिक अगर आते हैं तो हम उसको ऑर्गेनिक मानेंगे, बट अगर उसके बाद भी काफी सारे क्लिक्स आते हैं तो हम उसको काट देंगे, हम उसको पेड नहीं करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि YouTube ने कुछ ऐसा ही नियम बना रखा है, और ऑब्वियस यार ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई चीज YouTube पर प्रमोट करना चाहेंगे और हम प्रमोट करेंगे तो यूट्यूबर तो एड्स पर क्लिक करा करा के पैसे बना रहा है, बट मुझे तो हर क्लिक के पैसे देने पड़ रहे हैं, और मैं यूट्यूब पर फिर दोबारा एड कभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बिजनेस में एड करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैंने इतना एडवर्टीजमेंट किया, इतना प्रमोशन किया, मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो यार देखो, यूट्यूब की जो अर्निंग है वो इन्हीं एडवर्टाइजर के थ्रू होती है। ये एडवर्टाइज कराते हैं, YouTube कुछ पैसे हमें देता है, कुछ पैसे खुद रखता है, तो YouTube की भी अर्निंग इसी माध्यम से होती है। तो ऑब्वियस YouTube कभी अपने कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहेगा, इसीलिए YouTube ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं। जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ऐसा कहीं पर रिटर्न है नहीं, बट जहां तक मुझे प्रैक्टिकल लगता है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मुझे यही लगता है कि हाँ ऐसा होता होगा। क्योंकि ऑब्वियस यार, एडवर्टाइजर को भी फायदा चाहिए और जो यूट्यूबर है उनको क्लिक्स के पैसे चाहिए। तो यार अगर ऐसा होता ना, तो मेरे ख्याल से यार बहुत से लोग हैं जिनके पास लंबे लंबे फॉलोअर्स हैं और वो ऐसे एड्स पे क्लिक करा करा के बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो यार इन्हीं चीजों को देखते हुए यूट्यूब ने ये सारी पॉलिसीज, मुझे लग रहा है, बना रखी है, जो अभी तक कहीं रिटर्न नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, मैं फिर क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जहां तक पता है कमेंट में अगर कहने लगेंगे कि भाई तुम्हें कहां पता है, कहां लिखा है, प्रूफ दिखाओ, ये वो, खुद से इंजीनियर मत बनो, खुद से साइंटिस्ट मत बनो। बहुत से लोग होते हैं ऐसे टिप्पणी करने वाले, इसीलिए मैं बार बार इस बात को क्लियर कर दूं। और जहां तक मुझे लगता है यही कारण है, जब हमारी मंथली इनकम आती है एंड ऑफ द मंथ तक, जैसे $50, $60, और फिर वो कट के अचानक से 35, 40, कभी कभी 10 हो जाती है, तो मुझे लगता है कि यही कारण है। YouTube हमारे क्लिक बेट्स देखता है, हमारे रेशियो देखता है कि 100 में से कितने क्लिक आ रहे हैं। तो जब उसको लग जाता है ना यार कि नहीं,
नॉर्मल से ज्यादा आ रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं कि यार 100 लोगों को अगर हम ऐड दिखाते हैं तो मैक्सिमम 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो ऐड पर क्लिक करते हैं। तो जब उसको दिखता है ना यार कि नहीं इसमें तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, 60-70 लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो खेल चल रहा है, तो इसीलिए यूट्यूब पैसे डेबिट कर लेता है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं यार कि ये कहीं पर रिटर्न नहीं है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो उम्मीद करता हूँ यार कि आज की मेरी ये जो बातचीत है आपको वो समझ में आई होगी और थोड़ी सी हेल्प तो आपको जरूर मिली होगी। तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और हाँ अगर चैनल बनाए हो तो जाते जाते हमको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर दिस वीडियो एंड वेरी 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 ग्रेट।